ज़रा रिसर्च करें, रिलेटिविटी को पढ़ें, क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ें, आजकल क्या क्या बात हो रही है, क्या क्या बहसें हो रही हैं, लेकिन बी केयरफुल, ऐसा ना किसी एथियस्ट को पढ़ने लग जाएं। लेकिन थोड़ा पर्सपेक्टिव बड़ा करें, निकलें अपनी ना अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, ज़रा निकलें, अपने इंटेलेक्ट को सही जगह इस्तेमाल करें। मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था कि नौजवान जिस तरह मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और एंटरटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट आ चुका है इस वक्त, विच इज़ किलिंग अस, हमारी सोल्स को किल कर रहा है वो कॉन्सेप्ट। मैं नहीं ये बात कर रहा, एलन मस्क की स्पीच सुन लें, एलन मस्क का पता है ना आप सब, उसकी टेड टॉक है कि सोशल मीडिया इज़ किलिंग अस, ये उसकी टेड टॉक का टॉपिक है। और आप स्टीव जॉब्स के आखिरी अल्फाज सुन लें कि वो कहता है कि मैं मॉन्स्टर बना के चला गया, उसने इसको कहा मॉन्स्टर बना के मैं दुनिया को चला गया, बवाल है मेरे ऊपर, यानी बोझ है ये बहुत बड़ा, लिटरली इसके ये अल्फाज हैं। जितने भी टेक के एक्सपर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम के ओनर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, अगर कोई कहेगा मैं लिंक भी शेयर कर लूँगा, मुझे याद है कहाँ था, वो कहता है कि बना तो मैंने दिया है लेकिन मुझे भी इसका हल नहीं पता कि अब करना क्या है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्नैपचैट डिसमोर्फिया सिंड्रोम, ये एक डिसऑर्डर है नौजवानों में, ये गोरों में ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी थोड़ी इकदार और वैल्यूज़ को थामे हुए। ये क्या है, ये उनके नौजवानों में पीक पे है, स्नैपचैट डिसमोर्फिया सिंड्रोम। क्या है ये, कि हर चीज़ को परफेक्शन के उस नज़र से देखना और हर चीज़ की परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करना, और अनफिट जो भी चीज़ है उसके वजह से डिप्रेशन में चले जाना। यानी किस लिए, क्योंकि स्नैपचैट में फिल्टर्स होते हैं, हर चीज़ फिल्टर से लगती है, तो फिल्टर कर करके अब अपनी लाइफ पे भी फिल्टर लगा रहे कि मेरे जॉ बोन्स ऐसे हो जाएं, चीक बोन ऐसे हो जाएं, मसल ऐसे हो जाएं, बॉडी ऐसे हो जाए, शक्ल ऐसी हो जाए, नोज़ ऐसी हो जाए, वगैरह वगैरह। इस पे गोरों ने बहुत इस पे काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया हमारी जनरेशन तबाह हो रही है। यूरोप बहुत ट्विस्ट अब मार रहा है, ये पुरानी बातें होगी कि उनकी तहजीब तबाह हो रही है, हो चुकी, अब वो रिटर्न कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, ठीक है गोरे। उनकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं इस मौजू पे, ये एक अलग बात है कि जब तक उन पे कैपिटलिज्म का मुसल्लत है सिस्टम, वो कुछ नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली उन्होंने इस्लाम की तरफ ही आना, क्योंकि कैपिटलिज्म जब तक राइज है वो ना पौंड ख़त्म कर सकते हैं ना बाकी चीज़ें। हाँ, इंडिविजुअल को वो कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, वो दे रहे हैं, अपने बच्चों को निकाल रहे हैं इस जहर से। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग थिंकर्स हैं, ठीक है, आप लोग को ये पॉन्डर करना चाहिए। इसका मतलब ना समझे कोई कि हम लडाइट हैं, लडाइट का मतलब कि टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ हैं। मैं ख़ुद मोबाइल यूज़ करता हूँ, लैपटॉप, अच्छे से अच्छी कोशिश होती है मेरी कि अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी लाई जाए, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ें मॉन्स्टर हैं, ख़तरनाक हैं, अगर इनको मैंने कंट्रोल ना किया ये मुझे कंट्रोल करेंगी। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे जो नौजवान हैं, अमेरिका में रिसर्च हुई, उनके ब्रेन में वाइट मैटर की कमी है। वाइट मैटर ब्रेन का वो पार्ट है, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के दरमियान वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर जो है ये न्यूरॉन्स को कनेक्टिविटी देता है, सिग्नल्स के लिए स्ट्रॉन्ग करता है। वाइट मैटर जो, इन शॉर्ट ये आसान लैंग्वेज समझाता हूँ, ये न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपस में कनेक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्टर का काम देता है। वाइट मैटर अगर किसी के जहन में, ब्रेन में कम होता जा रहा है ना, इसका मतलब है कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत और अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, और ये हो रहा है हमारे नौजवानों के साथ, ठीक है, सबके साथ नहीं, वो जो टेक्नोलॉजी को दिन रात फेसबुक पे मंजी डाल लेते हैं और बैठे रहते हैं और बस दिन रात उनका कंप्यूटर के साथ है, ना कोई वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, ना वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना वो स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है ना, हर वक्त टेक्नोलॉजी के साथ, तो उनका वाइट मैटर कम है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ। तो जाहिर है जिसका वाइट मैटर कम है उसने ये सवाल कहाँ सोचना, मुझे पैदा किसने किया, उसने सवाल कहाँ सोचना कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, उसने ये तो सोचना है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि डोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सवाल उसने कभी नहीं सोचना कि मैं क्या कर सकता हूँ दूसरों के लिए, मैं क्या दे सकता हूँ। आज आप कोई भी पेशा उठा लें, सब पैसे के लिए कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त अक्सर बात करते हैं कि अभी फुटबॉल से पैसा निकाल दो, मैं देखता हूँ कौन रोनाल्डो कौन मेसी फुटबॉल खेलता, और हमारी यूथ उन्हें आइडियल समझती। एक पोस्ट मैं देख रहा था, देखें ट्राई टू पॉन्डर कि हम कहाँ जा रहे हैं, एक पोस्ट पे लिखा था कि रोनाल्डो बहुत गरीब था और उसने फुटबॉल को पैशन बनाया,
फुटबॉल गेव हिम दिस एंड दिस, उसका अपना कोट है कि फुटबॉल गेव मी रिस्पेक्ट, फुटबॉल गेव मी मनी, फुटबॉल गेव मी दिस एंड दिस, फुटबॉल इज माई पैशन एंड लव. पैशन और लव तक तो बात ठीक है, ठीक है, फुटबॉल आपका पैशन है, खेलो, लेकिन फुटबॉल गेव मी दिस, फुटबॉल गेव मी दैट, ये क्या लैंग्वेज है? ये मुसलमान की लैंग्वेज नहीं हो सकती, ये उनकी लैंग्वेज है. लेकिन हमारे बच्चे सेम वही कॉपी, फुटबॉल डिडंट गिव हिम दिस. लाखों रोनाल्डो जैसे प्लेयर मैं आपको दिखा सकता हूँ या पाकिस्तान में दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या वो बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, उन्हें मौका मिलता है? ये किस्मत है, ये मुकद्दर है. रोनाल्डो को पैसे मुकद्दर से मिल रहे हैं, वो फुटबॉल खेलने वाले तो रोनाल्डो जैसे बहुत हैं. ब्राजील भरा हुआ है रोनाल्डो जैसे बच्चों से. कितने बच्चे रोनाल्डो बनते हैं, आप मुझे बताएं? अगर फुटबॉल ने पैसे देने हैं तो क्यों नहीं उन्हें पैसे मिल रहे? मुकद्दर, तकदीर, अल्लाह देता है. अल्लाह ने रोनाल्डो को दिया, अच्छी बात है. अल्लाह ने बिल गेट्स को दिया, अल्लाह ने मलिक रियाज को दिया, सबको दिया अल्लाह ताला ने. देता है अल्लाह, जो मेहनत करता है बस अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा. तो ये सोच बनाना कि मैं ये पाथ चूज करूंगा तो मैं पैसे कमा लूंगा, ये चीज जो है ना हमारे जहनों का बहुत बड़ा गर्क करे. अब देखें, सेम मुझसे यूथ सवाल पूछते हैं कि सर मैं गेमर बनना चाहता हूँ, एज ए कैरियर में गेमर बनना चाहता हूँ. मैंने कहा व्हाट डज इट इवन मीन, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैं गेमर बनना चाहता हूँ? तो वो कहते हैं कि फलाना लड़का इतने मिलियन डॉलर जीता है, टेकन का बहुत प्लेयर है. मैंने कहा वो कितने हैं वो लड़के, गिना दो मुझे, उंगलियों पे गिना दो. एक है, दो है, तीन है, कितने हैं? 10 होंगे पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से कितने हैं? तो तुम वो चीज करना चाहते हो जिसमें सक्सेस के चांसेस कितने हैं, शायद 1% भी नहीं है. तुम वहां जाना चाहते हो जबकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहाँ भेजना चाहते हैं, या सक्सेस के चांसेस बहुत हैं. और फिर पेरेंट्स को ही हम गालियां देते हैं कि नहीं, उन्होंने बर्बाद कर दिए, ख़राब कर दी हमारी जिंदगी. तो इसलिए थोड़ा सा पॉन्डर करें, थोड़ा सा निकलें, अपने आप से निकलें, पीपल ऑफ इंटेलेक्ट बने. ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में, कायनात में बड़ा कुछ चल रहा है. अपने मसलों में पड़े रहेंगे तो यू विल जस्ट फील लाइक अ कॉग इन द मशीन, डिप्रेस हो जाएंगे कि मेरा रोल क्या है. मेरा रोल कुछ भी नहीं है, आपका रोल बहुत बड़ा है. ठीक है, अगर आप कभी सोचें कि मेरा रोल क्या है, कुरान से रहनुमाई लें कि मैं क्या करूं, मेरे लिए गाइडलाइन क्या है, मैंने क्या करना है, बहुत कुछ मिलेगा.